Before starting practice set 8.2, let's discuss some points. We have to draw the graph of given linear equation. It means we have to draw a line. Now let's come to the point. What is meant by line? Graph of a linear equation in two variables is a line. Ek line draw karne ke liye hamare paas two variables linear equation available hai. लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है? पॉइंट्स की. दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज ऑर्डर पेयर्स. ऑर्डर पेयर्स किसे कहते हैं? जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट साथ में आते हैं. व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट? वर्टिकल डिस्टेंस. ऑर्डर पेयर्स अगर हमारे पास पॉइंट वाइज मिलते हैं तो कोई भी तीन पॉइंट आप प्लॉट करोगे तो उसमें से एक लाइन पास हो सकती है. मिनिमम थ्री पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड. मोर देन थ्री पॉइंट्स आल्सो यू कैन प्लॉट. सी केयरफुली व्हाट आर द ऑर्डर पेयर्स एंड देयर मीनिंग्स. सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर पेयर. अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव है तो इसके सॉल्यूशन बहुत सारे आएंगे. जीरो प्लस फाइव फाइव, so 0,5 is an order pair. 1 plus 4 equal to 5, so 1,4 is an order pair. Like this, order pair represents point on that line. Yani line ko order pair yahan pe represent karti hai ya order pair us line pe lie karti hai. Dono vice versa. Listen, yahan pe let it be there will be a one particular equation supposed to be x plus y equal to 4. हम इसे draw करते हैं. देखो x plus y equal to 4, ये हम लोगों ने एक equation ले लिया और इसे हमें draw करना है. इस linear equation की line draw करनी है, मतलब graph draw करना है. मैंने यहां पे देखो prepare करके रखा है. I'll explain you one by one. सबसे पहले हमें एक table बनाना है. कैसे? यहां पे होगा x, y और यहां पे होगा x, y. मिनिमम थ्री पॉइंट्स की जरूरत है. लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू गिवन इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइम टेक x का वैल्यू जीरो. देखो अगर x की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस वाई इक्वल टू फोर, यानी y का वैल्यू कितना आया? 4. तो यहां पे मैं 4 लिख सकता हूं. सेकेंड, अब हम सेकेंड टाइम y का वैल्यू 0 लेते हैं. अगर यहां पे y का वैल्यू 0 है तो 0 x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4. यानी कि यहां पे मैं 4 लिख सकता हूं. थर्ड, अब मैं कोई भी एक पॉइंट ले सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल माई थर्ड पॉइंट सपोज टू बी एक्स की वैल्यू रहेगी 2. तो क्या होगा? इफ एक्स का वैल्यू अगर 2 है तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 4. अब आप अगर ध्यान से देखते हो तो y का वैल्यू कितना आ गया? 4 माइनस 2 विच इज बिलोंग्स टू 2. यहां पे x की वैल्यू मिली, यहां पे y की वैल्यू मिली, फिर से y की वैल्यू 2 मिल गया. तो आई विल प्रिपेयर यहां पे 2. नाउ सी केयरफुली, देयर इज एन फर्स्ट ऑर्डर पेयर विच बिलोंग्स टू 0,4. सेकेंड पॉइंट मीन्स ऑर्डर पेयर 4,0 एंड थर्ड ऑर्डर पेयर 2,2. ये तीनों पॉइंट्स यहां पे प्लॉट किए जाएंगे और फिर उनसे एक लाइन पास होगा. सी केयरफुली, बोथ हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस विच इज बिलोंग्स टू एक्स एंड एक्स डैश. वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, वाई वाई डैश. बोथ द लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर नोन एज ओरिजिन. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन ऑलवेज 0,0. ये तो करेक्ट है. अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे. दिस इज 1, दिस वन इज 2,
This one is 3, 4, 5. Enough. Because highest numerical digit 4 hai. Yahan pe. 1, 2, 3, 4 and 5. सारे के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, इसके लिए मैंने आपको y एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव, x एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव इतना ही ड्रॉ करके शो किया है. अब सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट प्लॉट करते हैं 0, 4. देखिए 0, 4 x कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट मस्ट बी ऑन y एक्सिस. ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4. यस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज 0, 4. So you have to write over here 0, 4 and name it, which is A. Second point, 4, 0. Again here it is 1, this is 2, this one is 3, this one is 4. So this point is called as 4, 0, which is noted as P. My second point B, 4, 0. अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इसे draw करके लेते हैं. जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो आपको आपका लाइन कैसे दिख रहा है. देखो, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ लाइन. यू कैन एक्सटेंड दिस अप टू अ लेवल, राइट. यहां तक ये एक्सटेंड कर दिया. अब क्या होगा, जस्ट शो हियर देर इज ए लाइन एंड एट एनी एंड, एनी वन एंड, यू हैव टू राइट द इक्वेशन विच इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4. दो पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए, तीसरा पॉइंट बाकी है 2, 2. सो 2, 2 विल गेट एग्जैक्टली ओवर हियर. यहां पे आपका पॉइंट रहेगा, ये देखिए, ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहां पे, और वर्टिकल डिस्टेंस परफेक्टली बिलोंग्स टू द 2. इट मीन्स माय सी पॉइंट इज देयर, दैट इज 2, 2. मैंने तीनों पॉइंट प्लॉट कर दिए. इसे कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन. स्टिल दिस इज नॉट कंप्लीट. क्यों? ये ग्राफ कब कंप्लीट होता है, जब आप इसको स्केल नोट करते हो तब. विदाउट स्केल यू विल नॉट गेट फुल क्रेडिट ऑन बोथ एक्सिस. स्केल ऑन बोथ एक्सिस ऑलवेज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट इन दिस क्वेश्चन. Is it clear? This is called as how to draw a graph of a given linear equation. इस तरह से हमें practice set 8.2 में बहुत सारे equations को draw करना है. Got it? अगर ये explanation आपको समझ में आया तो आप हमारे channel को subscribe कीजिए. Thank you.